ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, नहीं प्लीज. नेक्स्ट, अब हम अप्लाई, चक्कर आने लग गए. नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हाईलाइट. आशु, उस वाले बाथरूम में नहा लो प्लीज, इसमें से आवाज़ आएगी पानी की. हर बार का नाटक है. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to video number 31. So 31st video of the NK birthday month. I mean, मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ. मैंने 31 वीडियो डाले हैं इस पूरे महीने में एंड काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स के साथ में मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया एंड आप लोगों ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया. सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ एनके बर्थडे मंथ एंड मेकिंग इट सो मच सक्सेसफुल. सो आज का जो वीडियो है, टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. मैंने सोचा इससे अच्छा तरीका नहीं होगा इस पूरी सीरीज़ को एंड करने के लिए एंड दैट इज़ वाई आज हम कर रहे हैं कफ्स एंड लैशेज वन ब्रांड यू गाइज. एंड आई एम सो हैप्पी विद माई मेकअप टुडे. इतना सही लग रहा है ना, लाइक द बेस, द ब्लश कॉन्टोर एंड द हाईलाइटर, द आई शेडो, लिपस्टिक, सब कुछ ऑन पॉइंट है. इस वीडियो में ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, लाइक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है. आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट कभी भी. इसी वीडियो में मैं प्रोडक्ट को दिखा भी रही हूँ और उसके बारे में बात भी करूँगी थोड़ी सी. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना. ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और नीचे गेस करो, पॉज करो वीडियो को, पहले गेस करो कि कौन सा सरप्राइज प्रोडक्ट. इट्स नॉट लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बारे में बात कर चुकी हूँ. इट्स ऑन माई फेस राइट नाउ, बट आई हैवन्ट टॉक्ड अबाउट इट एवर. कॉमेंट करो फटाफट से कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है ये. ऑल्सो हम वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले देर इज़ अ सरप्राइज गिव अवे. सो थ्री ऑफ यू विल गेट अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम मी एंड कफ्स एंड लैशेज. तो रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल. आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, कफ्स एंड लैशेज को भी फॉलो करना है एंड दैट इज इट. कॉमेंट कर दो हैशटैग पार्टिसिपेटेड एंड मैं सारे के सारे विनर्स, इस पूरे मंथ में जितने भी गिव अवेज करे थे उन सारे के सारे विनर्स को मैं जो भी फर्स्ट सैटरडे आएगा उस पर अनाउंस करूँगी अगस्त में. अपनी कम्युनिटी पर मैं पोस्ट कर दूँगी. सो मेक श्योर कि आप मेरे कम्युनिटी को चेकआउट ज़रूर करना. अभी मूव ऑन करते हैं वीडियो के साथ. स्टार्ट ऑफ करूँगी अपने फेस को प्रेप करने से एंड सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज टोनर. ये बहुत रिफ्रेशिंग है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बिलीव का ट्रू क्रीम मॉइस्चराइजर बॉम. आई लव दिस थिंग, दिस इज़ सो गुड. ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी कर देगा और हल्का सा स्मूदनेस भी आ जाती है. अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का स्मूथ एंड ड्यूई प्राइमर, ड्यूई एंड स्मूथ प्राइमर. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको स्किप कर सकते हो बिकॉज ये काफ़ी हाइड्रेटिंग और ड्यूई सा है, तो आपकी स्किन ऑयली हो सकती है इसके साथ में. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कलरफील का प्री मेकअप बेस प्राइमर. ये बहुत ही बढ़िया स्मूदनिंग प्राइमर है, ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. इसको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा सेंटर ऑफ द फेस से स्टार्ट करना है एंड थोड़ा सा पुश करना है, तो ये आपके पोर्स को भी फिल इन कर देगा. ये आपके स्किन को स्मूथ भी कर देगा, थोड़ा बहुत मैटिफाई भी कर देगा. लास्ट में लगा लूँगी एक लिप बाम. आई एम यूजिंग लिनेज का लिप स्लीपिंग मास्क. अभी हमारी स्किन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, हम मूव ऑन करेंगे आईब्रोज की तरफ. और आईब्रो फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज का हैंडी डैंडी पैलेट. इसमें ये जो दो डार्क ब्राउन शेड है ना, मैं इनको मिक्स करके अपनी आईब्रोज फिल इन करूँगी. इनफैक्ट जो इसका ये वाला जो शेड है ना, जो सबसे डार्क ब्राउन है, इट्स अ कूल टोन ब्राउन शेड. आप सिर्फ इसको भी यूज़ कर सकते हो टू फिल इन योर आईब्रोज. और आईब्रो फिल करने के लिए जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज कफ्स एंड लैशेज A002 एंगल्ड ब्रश है ये. और इसमें साथ में स्पूली भी आती है. ये पैलेट में है तो सिर्फ चार कलर, पर बहुत ही अमेजिंग वर्सेटाइल पैलेट है. आप अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो, आप कॉन्टोर या ब्रॉन्ज अप कर सकते हो. अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के तो आप अपनी स्किन को हाईलाइट भी कर सकते हो एंड यू कैन यूज दिस कंप्लीट पैलेट ऑन योर आईज एज वेल. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 वर्सेटाइल पैलेट. इसका जो शेड है, दिस इज कॉल्ड मोका लाटे. नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे आई शेडो की तरफ. और सबसे पहले मैं यूज करूंगी कफ्स एंड लैशेज कवर पॉट इन द शेड व्हाइट, विच इज शेड नंबर 17. एंड येस, द पैकेजिंग इज गोइंग टू चेंज. अब ये जो स्ट्रिप थी ब्लैक की, इट इज गोइंग टू बिकम येलो एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नाउ. दिस इज द न्यू पैकेजिंग यू गाइज. तो फ्यूचर में अब आपको ये वाला पैकेट, लाइक ये वाला डिज़ाइन मिलेगा. एंड वी ऑल्सो हैव
थोड़ा सा प्रिंट करवा लिया है कफ्स एंड लैशेज ऑन द कैप इटसेल्फ, सो या इट लुक्स नाइस ना. मैं पूरा अप टिल मैं ब्राउ लेके नहीं जा रही हूँ बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लगने लगता है, तो इसलिए ये सिर्फ इसलिए कि मेरे को एक हल्का सा बेस मिल जाए. ठीक है, उसके बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी यूजिंग स्पंज. उसके बाद हम लगाएंगे अपना सेलो टेप. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लेट इट स्नो, और उसका ये जो डार्क वाला ब्लैक कलर है ये वाला, इसको लेकर के हम एक विंग ड्रॉ करेंगे. तो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज कप्स एंड लैशेस E002, हाफ आई लिड से आपको एक विंग ड्रॉ करना है. प्रिसाइज होने की आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको ब्लेंड कर देंगे बाद में. इसके बाद हम ये मोका लाटे पैलेट लेंगे, पहले ये वाला शेड लेकर के हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे. उसके बाद लाइट ब्राउन शेड लेंगे और ब्लेंड करेंगे. थोड़ा सा अपनी क्रीज में भी लेके जाना है. इसके बाद मैं लूंगी कफ्स एंड लैशेस का फोर कलर आई शेडो इन ऑरेंज पिक्सीज, और इसका ये जो डार्क ऑरेंज शेड है इसको लेकर के इनर कॉर्नर से हम इस तरीके से क्रीज कट करेंगे. मोका लाटे पैलेट का आई विल टेक दिस शेड और अपनी बची हुई लिड पे अप्लाई कर लेंगे हम. एक फ्लफी ब्रश लेना उसके बाद, दिस इज E005, और हम अच्छे से सब कुछ अब ब्लेंड कर लेंगे. अच्छे से ब्लेंड करना है जिससे कि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और सब कुछ बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंडेड दिखे. आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा टू एंड फ्रो शिमर शेड के साथ में जा सकते हो जिससे कि शिमर शेड और ये डार्क ब्राउन शेड अच्छे से ब्लेंडेड लगे. वापस से मैं ये डार्क ब्राउन शेड में जा रही हूँ विद एन एंगल ब्रश, और सिर्फ लैश लाइन के नज़दीक नज़दीक हम इसको इंटेंसिफाई कर लेंगे थोड़ा सा, यू नो, क्योंकि ब्लेंडिंग की वजह से कलर फेड हो जाता है. एंड देन वापस से मेरा E005 ले रही हूँ मैं ब्लेंडिंग ब्रश, और एक बार फिर से हम सब कुछ ब्लेंड करेंगे. विद दैट आइज़ हो गई, अब हम मूव करेंगे फेस की तरफ. तो प्राइमर तो ऑलरेडी हम कर चुके थे, अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन. मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज कवर पॉट नंबर 8 एज माय बेस, कफ्स एंड लैशेज का F11 लेकर. पहले मैं इसको थोड़ा सा वार्म अप करूँगी पैन के अंदर, एंड उसके बाद पहले सिर्फ हम कलर को फेस पर डिपॉजिट करेंगे. पहले मैं सिर्फ हाफ साइड पर कर रही हूँ, और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेज F21 ब्रश. कवर पॉट्स जो है ब्लेंडर की मदद से उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं होते जितने अच्छे से ये ब्रश से ब्लेंड होते हैं, और इसका कवरेज आप अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो. तो अगर आपको कम कवरेज चाहिए तो थोड़ा सा ही अप्लाई करो, ज़्यादा कवरेज चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा सप्लाई कर लो. ये सेल्फ सेटिंग है तो आपको इसके बाद पाउडर आप स्किप कर सकते हो. अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है, आपको लगता है कि नहीं फिर भी ऑयल आ रहा है, तो आप चाहो तो कर लो. अदरवाइज आई वुड रिकमेंड नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन, आप पाउडर स्किप कर सकते हो इसके बाद. Also give it some time, ये अच्छे से सेट हो जाएगा और फिर ट्रांसफर प्रूफ और वाटर प्रूफ बन जाता है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स हाफ फेस पे. सारा कुछ कवर अप कर लिया मैंने, बहुत थोड़ा अप्लाई किया था, ज़्यादा नहीं अप्लाई किया था. अभी मैं बाकी हाफ फेस पे करूँगी, बट उसके पहले हम इस तरफ में कंसीलर भी कर लेते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली विजिबली सी द डिफरेंस. सो कंसीलर के लिए जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ इट इज़ शेड नंबर 06, एंड या आई हैव यूज इट अ लॉट, लाइक अ लॉट. एंड इसके लिए जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं वो है E009, विच इज़ ए यू नो डेंस आई शेडो ब्लश, बट मैं इसको कंसीलर अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी डेंस है तो आप यूज़ कर सकते हो E009. सो बस पहले मैं डिपॉजिट करूँगी, एंड उसके बाद सेम ब्रश से जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था इसको भी ब्लेंड कर लेंगे. सो दिस इज़ ए ब्राइटनिंग कंसीलर फॉर मी, एंड एज यू कैन सी मेरे अंडर आइज बहुत ज़्यादा ब्राइटनड अप हो गए. This side is with the cover pot and this side is without the cover pot and you can see the difference. अभी मैं बाकी फेस पे भी completely apply कर लेती हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. थोड़ा सा अपने नोज और फोरहेड को भी मैं हाईलाइट करूँगी, सेंटर ऑफ द फेस को बेसिकली. ओके, सो द फेस इज़ डन एंड देख रहे हो एकदम फ्लॉलेस फिनिश आई है एंड एवरीथिंग इज़ कवर्ड. अब हम मूव करेंगे कॉन्टोर की तरफ. सो मैं आजकल कॉन्टोर से ज़्यादा अपने आप फेस को ब्रॉन्जअप करना पसंद करती हूँ. सो फॉर ब्रॉन्जिंग माई शेड मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेज़ का कपी केक इन शेड सन किस्ड.
अगर आप फेयर टू मीडियम फेयर हो तो ये आपके स्किन पे शो अप होगा। अगर आप मेरी स्किन से एक दो शेड डार्कर हो या फिर आपको थोड़ा सा और पिगमेंटेड कलर चाहिए तो आप पीकेक्स यूज़ कर सकते हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अपनी स्किन पे, इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये है F12 फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। तो मैंने अपने फेस को सेट नहीं किया है पाउडर से, आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली ऑन इट। और मैं अपनी यहाँ से हेयरलाइन से स्टार्ट करके अपने फेस पे नीचे लेकर आऊँगी टूवर्ड्स द चीक। एंड एज यू कैन सी, देख रहे हो, इवन वेन इट वॉज सो लाइट, कलर अच्छे से शो अप हो रहा है। थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो अपनी लाइकिंग के हिसाब से। नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी मैं। सो आई एम टेकिंग टी केक्स नाउ और इससे अपनी जॉ लाइन को मैं ब्रॉन्ज अप या कॉन्टोर जो भी आप बोलो शेडोज क्रिएट करूँगी बेसिकली। जो ब्लश मैं आज यूज़ करूँगी वो है ये, दिस इज़ कप्स एंड लैशेज कपी केक इन डबल टॉक। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीची पिंक शेड है एंड इट लुक्स अमेजिंग ऑन ऑल स्किन टाइप्स। इनफैक्ट आई फील कि कप्स एंड लैशेज के जितने भी ब्लशेज हैं ना वो सारे ही स्किन टाइप्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। सो यू नो दे आर सो नाइसली पिगमेंटेड दैट दे विल शो अप ऑन ऑलमोस्ट ऑल स्किन टाइप्स। सो थोड़ा सा लगा लेंगे हम डबल टॉक थोड़ा सा लगा लेंगे हम डबल टॉक। सी, बहुत लाइट हैंड से मैं लगा रही हूँ, इट्स नाइसली पिगमेंटेड बट नॉट ओवरली पिगमेंटेड। तो एक बार डिप करने पे जितना कलर आता है इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर इंटायर चीक। आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा या फिर आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मैंने ज़्यादा लगा लिया अब मैं क्या करूँ। बिल्कुल परफेक्ट पिगमेंटेशन है। थोड़ा सा अपना फाउंडेशन ब्रश लेके मैं सिर्फ ये फ्रंट ऑफ द चीक पे इसको फेर रही हूँ सो दैट इस जगह से जो ब्लश की इंटेंसिटी है वो कम भी हो जाए, एट द सेम टाइम बहुत डिफ्यूज्ड सा लगेगा वो। आई एम ऑलरेडी लविंग माई लुक, लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लो पैलेट। एंड ग्लो पैलेट का मैं ये वाला शेड यूज़ करूँगी। थोड़ा सा अपनी ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करूँगी। वेरी प्रिटी शेड। आई थिंक अगर आप सिंगल लेना चाहो तो दिस इज़ फ्रम्शस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा फोरहेड पे भी बिकॉज यू नीड टू ग्लो बेबी। ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन। एक स्पंज लेके अपने हाइलाइटर के ऊपर इस तरीके से डैब डैब कर दो। हाइलाइटर क्या है, अच्छे से सेटल हो जाएगा स्किन में। लोअर लैश लाइन पे हम थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो ऑरेंज शेड था ना जो हमने अपनी क्रीज ये कट करने के लिए यूज़ किया था, आई एम यूजिंग द सेम कलर और इसको हम ऊपर जो क्रीज थी ना उससे कनेक्ट करते हुए इस तरीके से अप्लाई करेंगे। एंड जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पर मैं वो डार्क ब्राउन शेड लूँगी और उसको ऊपर वाली जो मेरा विंग है उससे कनेक्ट करेंगे। नाउ अब मैं जो रिवील करने जा रही हूँ ना, यू गाइज हैव नॉट सीन दीज। सो अभी मैं लगा लूँगी लैशेज एंड आई विल अप्लाई कफ्स एंड लैशेज की लैशेज। यस, या आई नो दिस इज़ ए सरप्राइज़। अभी लॉन्च नहीं हो रही है ये, बट सिंस आई हैड टू डू अ फुल फेस तो मस्कारा है नहीं, तो मैं लैशेज ही लगाऊँगी डायरेक्टली एंड आई वॉन्ट टू apply some really dramatic lashes and मैं ये वाली apply करूँगी। they are beautiful you guys, just look at them, these are the eyelashes, ये वाली eyelashes मैं apply करूँगी and इनका नाम है गुलमार्ग। alright, so अभी बारी आ गई है lipstick की and for my lipstick I will be using Cuffs and Lashes Penta 5 matte lipstick, these are the 5-in-1 lipsticks and I'm so excited to use this। ये August के first week में launch होंगी, so get excited for this, I'm so happy for this one। तो मैं क्या करूँगी, इसको बहुत हल्के हाथ से मैं सिर्फ लोअर लिप पे अप्लाई करूँगी एंड अपनी फिंगर से इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूँगी। ये जो वेरियंट है दिस वन इज़ द रेड वेरियंट एंड इसका जो न्यूड वेरियंट है उसमें एक ये ब्राउन शेड है उसको लेकर के सेंटर ऑफ द लिप पे। These lipsticks are very very pigmented, तो आप mix and match करके you can create unlimited possibilities। I love the lipstick color, बहुत सही वाला nude turnout हुआ है।
एंड फाइनली मैं यूज़ करूँगी 20 समथिंग का मेकअप फिक्सर. इट्स लाइक कफ्स एंड लैशेज ओनली. एंड आई नो ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट कफ्स एंड लैशेज का फिक्सर भी बहुत जल्दी आ रहा है. इट्स ऑलमोस्ट डन. सो येस, आई विल बी यूजिंग दिस. दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज. आई एम सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी. मेरा मेकअप इतना सही लग रहा है ना आज, आई कांट इवन टेल यू. द आई शेडो, द ब्लश, द कॉन्टोर, द हाईलाइट, द लिपस्टिक, एवरी थिंग. एंड या आई एम इन लव विद द मेकअप. एंड मेरा मन नहीं कर रहा अभी मेकअप उतारने का, बट आई हैड टू, क्योंकि वीडियो मुझे एडिट भी करना है. सो दैट वॉज द लास्ट वीडियो ऑफ एन के बर्थडे मंथ. आई होप ये पूरा महीना आपने इन्जॉय किया होगा. एंड आई नो आई एम सैड बट हैप्पी एट द सेम टाइम कि मैं थोड़ी चैन की सांस ले सकती हूँ. बट आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दिस होल मंथ. और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सराहा, उसके लिए बहुत 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 दिल से थैंक यू. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक Take care, stay at home, stay safe, and I will see you guys next time. Bye.